सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आशीष क्लासेस ऐप पर उपलब्ध है आपके लिए कोर्स SSC प्रीवियस ईयर पेपर्स का कोर्स, SSC प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें 100 वीडियोस आपको मिलते हैं, मींस 100 पेपर्स और 30 पेपर्स अब तक वहां पर आपके लिए उपलब्ध हैं। हर दिन एक या दो पेपर्स आप तक पहुंच जाते हैं। होली के मौके पर आपको ये डिस्काउंट दिया गया है, 21st of March तक अगर आप बाई करते हैं तो केवल और केवल 399 में आप बाई कर सकते हैं। तो SSC इंग्लिश को प्रिपेयर करने का इससे नायाब और इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। बाई कैसे करें उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियोस देखिए। अगर आपको लगता है कि डेमो वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो वहां से आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए, ये था ऐप के बारे में, अब हम स्टार्ट करें आज का एडिटोरियल सेशन। तो फर्स्ट एडिटोरियल ये रहा आपके सामने। तो ये सबसे पहला एडिटोरियल आपके सामने है, हैवी हैंडेड ऑर्डर। नोट कर लीजिए हैवी हैंडेड का मीनिंग क्या होता है। हैवी हैंडेड का मतलब निरंकुश है, हैवी हैंडेड का मतलब तानाशाह होता है, अथॉरिटेरियन कह सकते हैं इंग्लिश में, टायरेंट कह सकते हैं, तो तानाशाही आदेश इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। द कंटेम्प्ट लॉ, कंटेम्प्ट लॉ, कंटेम्प्ट का मतलब घृणा होती है, कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सीन टू बी यूज और ना ही इसे देखा जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हुआ है, ना ही तो इस्तेमाल होना चाहिए। पैसिव वॉइस का दे रखा स्ट्रक्चर मस्ट मॉडल है, मॉडल में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और सीन टू बी यूज्ड तो कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही देखा जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हुआ है। टू स्टीफल डिसेंटिंग लॉज व्यूज, किसके लिए। स्टीफल का मतलब होता है ऑप्रेस करना, दमन करना या फिर किसी चीज़ को घटित होने से रोकना, तो स्टॉप और प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, और स्टीफल का मतलब चौक करना भी हो सकता है, दम घोटना भी हो सकता है। तो स्टीफल डिसेंटिंग व्यूज, डिसेंटिंग व्यूज का मतलब होता है असहमतिपूर्ण विचार। यदि आपके विचार किसी से मैच नहीं करते हैं और आप उसके खिलाफ अगर बोलने लगते हैं तो वो डिसेंटिंग व्यूज कहा जाएगा। तो स्टीफल डिसेंटिंग व्यूज को स्टीफल करने के लिए, असहमतिपूर्ण विचारों को दबाने के लिए कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही इसे देखा जाना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हुआ है, किसी के द्वारा किया जाए इसका इस्तेमाल वो भी नहीं देखा जाना चाहिए। द मेघालय हाई कोर्ट्स ऑर्डर फाइंडिंग द एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ सिलोंग टाइम्स गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। मेघालय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है फाइंडिंग द एडिटर एंड पब्लिशर ऑफ सिलोंग टाइम्स गिल्टी, देखिए फाइंडिंग का प्रयोग यहाँ पे किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऐसा करते हुए, तो एडिटर पब्लिशर सिलोंग टाइम्स के इनको दोषी पाते हुए, किसका दोषी पाया है, ऑफ कंटेम्प्ट, गिल्टी के साथ में ऑफ का प्रयोग है। अगर यहाँ पे एक्यूज्ड होता और किस चीज़ का एक्यूज दे रखा होता तो डेफिनेटली फिर भी हम ऑफ का ही प्रयोग करते। तो गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का गिल्टी पाते हुए एंड आस्किंग देम टू सिट इन अ कॉर्नर, और ये कहते हुए उनसे कि आप चुपचाप से बैठिए, सिट इन अ कॉर्नर का मतलब बिना कोई एक्टिविटी के बैठिए, आप कोई काम ना करिए, टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट इस मामले को नहीं देख लेता है। राइजिंग द कोर्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोर्ट का उदय होना, ये कह रहा है जब तक कि कोर्ट इस मामले को नहीं देख लेता है। एंड इम्पोजिंग अ फाइन ऑफ ₹2 लाख ईच, और ₹2 लाख के जुर्माना थोपने की बात यहाँ पे की गई है। इम्पोज का मतलब थोपना है। इज अ हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स, ये जो एक कोर्ट का आदेश आया है तो ये एक हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स है, हैवी हैंडेड रेस्पॉन्स है, निरंकुश और तानाशाही से एक प्रत्युत्तर है उन टिप्पणियों के संदर्भ में, उन टिप्पणियों का उत्तर है, उन कमेंट्स का उत्तर है न्यूज़पेपर में ऑन द कोर्ट्स अर्लियर ऑर्डर्स, जो कोर्ट के पहले के आदेश थे उन पर जो कमेंट्स किए गए थे उनके खिलाफ जो प्रत्युत्तर दिया है कोर्ट ने, बड़ा ही हैवी हैंडेड है। उसमें जो एडिटर पब्लिशर है उन पर ₹2 लाख प्रत्येक पर जुर्माना लगाया गया है। और आगे देखिए, इस ऑर्डर को और अधिक अनफॉर्चुनेट क्या बनाता है, व्हाट मेक्स द ऑर्डर इवन मोर अनफॉर्चुनेट। व्हाट यहाँ पे स्टार्ट में देखे लिया है, ऐसा क्लास जो व्हाट से स्टार्ट होता हो, शुरुआत में व्हाट लगता हो, तो फिर आपको जो वर्ब लगानी होती है वो सिंगुलर लगानी होती है, तो इसी कारण से मेक्स का प्रयोग है। तो व्हाट मेक्स द ऑर्डर इवन मोर अनफॉर्चुनेट, और क्या इस आदेश को और अधिक अनफॉर्चुनेट बनाता है, वो है एक्सप्लिसिट थ्रेट टू बैन, वो है स्पष्ट चेतावनी। थ्रेट का मतलब होता है चेतावनी,
टू बैन द न्यूज़पेपर, उसमें चेतावनी दी गई है कि न्यूज़पेपर को बैन कर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर को निषेध कर दिया जाएगा एंड जेल देम, और उनको जेल में डाल दिया जाएगा एडिटर पब्लिशर को, ठीक है, इफ़ दे फेल टू पे द फाइन, यदि वो फाइन को नहीं भरते हैं, जो जुर्माना 2,00,000 रुपये का उन पर लगाया गया है, इम्पोज किया गया है, वो 2,00,000 रुपये का जुर्माना अगर नहीं भरते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इफ दे फेल टू पे द फाइन, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी बना रहा है, ठीक है ना। तो इस अब आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे दूसरे क्लॉज में कि विल शैल कहाँ है, तो ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन है ये कुछ इसी प्रकार का कि फ्यूचर का इंटेंशन ही डिनोट कर रहा है। व्हाट मेक्स द ऑर्डर मोस्ट मोर अनफॉर्चुनेट इज द एक्सप्लिसिट थ्रेट टू बैन। अब यहाँ पे तो टू इन्फिनिटिव से जोड़कर हमने सेंटेंस को बना दिया, वरना ये कंडीशनल सेंटेंस है कि ऐसा उनके साथ होगा यदि वो जुर्माना नहीं भरते हैं। वाइल कोर्ट्स आर इंडीड एम्पावर्ड टू डिसाइड वेदर ए पब्लिकेशन स्कैंडलाइज और टेंडेड टू स्कैंडलाइज द जुडिशियरी इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहाँ कोर्ट्स को वास्तव में ये शक्ति प्रदान की गई है, एम्पावर किया गया है, मतलब शक्ति प्रदान की गई है उनको टू डिसाइड वेदर पब्लिकेशन स्कैंडलाइज, ये तय करने की शक्ति उनके पास है कि क्या कोई पब्लिकेशन जो है उसने स्कैंडलाइज किया है। स्कैंडलाइज का मतलब है कि कोई भी चीज़ इमोरल या इम्प्रॉपर है, उससे शॉक हो जाना, ठीक है, कि पब्लिक कोर्ट्स को ये शक्ति प्रदान है कि वो डिसाइड करें कि कोई पब्लिकेशन है, कोई भी लेख छपा है, उसने स्कैंडलाइज किया है, उस लेख ने उसको लगा है कोर्ट को कि ये भाई इम्प्रॉपर है लेख, और उससे वो शॉक हुए हैं, या फिर प्रवृत्ति उनकी ऐसी है, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, या स्कैंडलाइज करने की प्रवृत्ति उनकी है, तो जुडिशियरी किसको स्कैंडलाइज करने की प्रवृत्ति है, जुडिशियरी को, न्यायपालिका को, और इंटरफेयर्ड विद द, अब देखिए वेदर का प्रयोग है इसलिए यहाँ पे और का प्रयोग है, और का प्रयोग अगर सेंटेंस में होता है और इफ और वेदर में से चॉइसेस आपको दे रखी हैं तो आपको पिक करना होता है वेदर, आप इफ को छोड़ दीजिएगा, वेदर को पिक कीजिएगा तो सेंटेंस सही होगा। और इंटरफेयर्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इंटरफेयर के साथ तो विद नहीं लगता है, इन लगता है, बिल्कुल इन भी लगता है, विद भी लगता है, व्हाट इज द डिफरेंस, नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा इस बात को, इंटरफेयर इन तब लगता है जब आपको दे रखा है कि बिना आवश्यकता के, बिना इनविटेशन के किसी चीज़ में आप टांग अड़ा रहे हैं, बगैर पूछे अगर आप इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरफेयर इन। इंटरफेयर विद जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है व्यवधान डालना, डिसरप्ट करना किसी प्रोसीडिंग को, कोई भी काम चल रहा है उसको आगे बढ़ने से रोकना, डिसरप्ट करना, है ना, उसे कहते हैं डिस्टर्ब करने को इंटरफेयर विद, इसलिए इंटरफेयर विद का प्रयोग है। या फिर इंटरफेयर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का जो, न्यायपालिका का जो काम है उसमें इनको इन्होंने डिस्टर्ब किया है, ये एम्पावर है डिसाइड करने का, एम्पावर किया गया है कोर्ट को, देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर एन आउटराइट बैन ऑन इट। अब देखिए यहाँ वाइल से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो ये भी क्या होता है, वाइल भी कुछ तरीके से काम वैसे ही करता है जैसे कि दो या ऑल दो करते हैं, तो दो तरह के क्लोज आपको दिए गए हैं, दोनों ही विरोधाभासी दे रखे हैं कि जहाँ इनको पावर तो है इस बात का कि डिसाइड कर लें कि कई कोई भी पब्लिकेशन है उसने स्कैंडलाइज तो नहीं किया है, शॉक तो नहीं कर दिया है, कोई इमोरल चीज़ें हैं, कुछ इम्प्रॉपर चीज़ें छाप दी हैं जिससे वो जिसके खिलाफ छापी हैं वो शॉक हो गया हो, स्कैंडलाइज का मतलब ये है, या फिर उनकी प्रवृत्ति ऐसी है स्कैंडलाइज करने की, जुडिशियरी को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बाधित करने की प्रवृत्ति उनकी है, जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बाधित करने की प्रवृत्ति है, ये इनको एम्पावरमेंट इनका किया गया है, लेकिन फिर भी देयर इज नो लीगल प्रोविजन, ऐसा कोई भी कानून नहीं है, कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है फॉर एन आउटराइट बैन ऑन इट। आउटराइट का मतलब क्या होता है, आउटराइट से मतलब होता है कंप्लीट, कि कंप्लीट बैन आप कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, आउटराइट बैन इस पे हो जाए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द ओरिजन ऑफ दीज कंटेंप्ट प्रोसीडिंग्स अपीयर्स टू बी द स्टेट गवर्नमेंट्स यूनिलैटरल डिसीजन टू विदड्रॉ सर्टेन फैसिलिटीज टू रिटायर जजेस विदाउट कंसल्टिंग द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। द ओरिजन ऑफ दीज कंटेंप्ट, ये जो कंटेंप्ट हैं, ये जो भी आरोप कंटेंप्ट आरोप लगाए गए हैं, कंटेंप्ट का वैसे घृणा होता है लेकिन यहाँ पे कह रही है आरोप, द ओरिजन ऑफ दीज कंटेंप्ट, जितने भी ये कंटेंप्ट हैं उनका जो मूल है, प्रोसीडिंग्स कंटेंट प्रोसीडिंग्स का जो ये मूल है, जो भी घृणास्पद चीज तरीके से काम किया गया है, नफरत की भावना से जो काम किया गया है, कोर्ट के द्वारा एक आदेश दिया गया है, एडिटर और पब्लिशर के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है, इसका जो मूल है अपीयर्स टू बी, वो ऐसा लगता है कि,
अब ये अपीयर्स क्यों लगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ जो सब्जेक्ट है वो ओरिजन है, जो कि सिंगुलर है. अपीयर्स टू बी द स्टेट गवर्नमेंट यूनिलैटरल डिसीजन, वो संभवतया इसलिए है कि स्टेट गवर्नमेंट का एक यूनिलैटरल डिसीजन आया है. यूनिलैटरल का मतलब क्या है? यूनिलैटरल का मतलब है एक पक्षीय. यूनिलैटरल का मतलब एक पक्षीय. तो एक पक्षीय डिसीजन था राज्य सरकार का टू विड्रॉ सर्टेन फैसिलिटीज टू रिटायर्ड जजेस. कि क्या डिसीजन था? विड्रॉ सर्टेन फैसिलिटीज, की कुछ फैसिलिटीज दी गई हैं रिटायर्ड जजेस को, सेवानिवृत्त जजेस को, उनकी फैसिलिटीज विड्रॉ करने के लिए कहा गया है, वापस लेने के लिए कहा गया है, विदाउट कंसल्टिंग द कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो भी बगैर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट किए बिना. ठीक है. आफ्टर द मैटर वॉज नॉट रिजोल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड फॉर टू मंथ्स. आफ्टर द मैटर वॉज नॉट रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ फॉर टू मंथ्स. तो जब मैटर को सोल्व नहीं किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जो फॉर टू मंथ्स, दो महीने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, प्रशासन जो देखता है, ये सोल्व नहीं किया गया उसका मैटर, द कोर्ट इनिशिएटेड शो मोटो प्रोसीडिंग्स. तो कोर्ट ने इनिशिएट किया, कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया. शो मोटो का मतलब क्या है? लिख लीजिए, शो मोटो का मतलब है ऑन इट्स ओन मोशन, अपने ही तरीके से, किसी दूसरे के मोशन से नहीं, दूसरे के कहने पर नहीं, अपने तरीके से. तो कोर्ट ने अपने तरीके से ही प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी, कार्यप्रणाली जो भी है, प्रोसीडिंग्स है, जो भी होने वाला था उसमें वो काम चालू कर दिया. एंड इशूड सम डायरेक्शन, और इस संदर्भ में कुछ निर्देश इश्यू कर दिए. इट वॉज बिकॉज ऑफ ए न्यूज आइटम. ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक न्यूज में ऐसा कुछ लिखा गया था, एकम्पनीड बाई ए कॉमेंट्री ऑन द कोर्ट्स डायरेक्शन, जिसमें कोर्ट के जो निर्देश हैं उस पर टिप्पणियां की गई थी. दैट द कॉन्टेमर्स, कॉन्टेमर्स का मतलब नोट कर लीजिए, कॉन्टेमर्स का मतलब होता है अ पर्सन और एंटिटी हु इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट बिफोर अ जुडिशियल और लेजिस्लेटिव बॉडी. एक व्यक्ति या फिर कोई निकाय जो कि दोषी है नफरत या घृणा का, कंटेम्प्ट का आरोप लगाने का, किसके सामने? किसी भी जुडिशियल और लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने, तो उसे कहते हैं कंटेमर. तो ये कहा गया है दैट द कंटेमर हैड इनकर्ड द कोर्ट्स डिसप्लेजर, कि कंटेमर जो है, जिसने कंटेम्प्ट लगाए हैं, जिसने आरोप लगाए हैं, हैड इनकर्ड द कोर्ट्स डिसप्लेजर. इनकर का मतलब क्या होता है? इनकर का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली, समथिंग अनप्लीजेंट, कोई जो अनप्लीजेंट चीज है उसको एक्सपीरियंस करना. हैड इनकर्ड द कोर्ट्स डिसप्लेजर, इसने कोर्ट का, दैट द कंटेमर्स हैड इनकर्ड द कोर्ट्स डिसप्लेजर. क्या कहा गया था कि ऊपर से पढ़िए, इट वॉज बिकॉज ऑफ ए न्यूज आइटम, ये एक न्यूज आइटम के कारण सब कुछ हुआ, एकम्पनीड बाई ए कॉमेंट्री ऑन द कोर्ट्स डायरेक्शन. उस न्यूज के साथ साथ उसमें कुछ टिप्पणियां की गई थी कोर्ट के डायरेक्शंस को लेकर, दैट द कंटेमर्स हैड इनकर्ड, कि जो कंटेम्प्ट करने वाले लोग हैं, कंटेमर्स हैं, हैड इनकर्ड द कोर्ट्स डिस्प्लेजर, उससे कोर्ट का डिस्प्लेजर इनकर किया, उसको एक्सपीरियंस किया. ठीक है, जिसने कंटेम्प्ट लगाया, जिसने आरोप लगाया, उसको ये डिस्प्लेजर झेलना पड़ा. द ऑफेंडिंग कमेंट्स अपीयर टू इम्प्लाई दैट द डायरेक्शंस रिगार्डिंग एक्सटेंडिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड डोमेस्टिक हेल्प एंड रिएम्बर्सिंग कम्युनिकेशन बिल्स अप टू 10,000 अ मंथ एंड ए मोबाइल फोन वर्थ 80,000 टू रिटायर्ड जजेज अमाउंटेड टू जजेज जजिंग फॉर देमसेल्व्स. द ऑफेंडिंग कमेंट्स, ऑफेंडिंग का मतलब है कॉजिंग प्रॉब्लम्स और डिस्प्लेजर, लिख लीजिएगा, जो डिस्प्लेजर या प्रॉब्लम्स पैदा करे उसे कहते हैं ऑफेंडिंग. तो जो ऑफेंडिंग कमेंट्स है, जो परेशान करने वाले कमेंट्स थे, अपीयर टू इम्प्लाई, उनका जो लगता है ऐसा कि उसमें अर्थ जो निहित था, दैट द डायरेक्शंस रिगार्डिंग एक्सटेंडिंग फैसिलिटीज, की जो डायरेक्शंस थे, निर्देश थे, फैसिलिटीज को बढ़ाने के संदर्भ में, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना होता है, जिसमें शामिल है प्रोटोकॉल सर्विसेज, प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प शामिल है, रीएम्बर्सिंग, रीएम्बर्स का मतलब होता है रीपे करना, फिर से भुगतान करना, कम्युनिकेशन बिल्स अप टू 10,000 ए मंथ, कि उसमें लिखा गया है कि फैसिलिटी क्या है, एक महीने में 10,000 रुपए तो कम्युनिकेशन बिल को उनको रीपे करना, अ मोबाइल फोन वर्थ 80,000, मोबाइल फोन का जो बिल है 80,000 रुपए, टू रिटायर्ड जजेज अमाउंटेड टू जजेज
अमाउंट टू का मतलब बहुत बार पहले भी हमने डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है इक्वल होना, बराबर होना। तो ये बराबर था उस चीज़ के कि जजेज जजिंग फॉर देमसेल्व्स, कि जज जो हैं अब क्या कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं कि तो अपने ही निर्णय ले रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं। ऐसा कुछ टिप्पणी अखबार में कर दी गई थी कि जजेज जजिंग फॉर देमसेल्व्स, जजेज को लगता है कि ये फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए तो ये तो अपने लिए ही जजमेंट कर बैठे। तो इससे कोर्ट आहत हो गया और उन्होंने 2-2 लाख रुपये का जुर्माना उन पर ठोक दिया। इट इज अ मूट क्वेश्चन। मूट क्वेश्चन का मतलब होता है एन इश्यू विच इज ओपन टू डिबेट, एक विवादास्पद प्रश्न जिसमें डिबेट सब्जेक्ट टू डिबेट है, जिसपे एक कहें कि डिबेट होना लाजमी है। इट इज अ मूट क्वेश्चन वेदर द कोर्ट ओट टू हैव टेकन अम्ब्रेज एट दिस रिमार्क और इग्नोर्ड इट। ये एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसपे डिबेट होनी चाहिए कि वेदर जज कोर्ट की क्या जो कोर्ट है ought to have taken umbrage, क्या उनको इस प्रकार का असंतोष प्रकट करना चाहिए था, नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी। umbrage का मतलब होता है anger कह सकते हो, umbrage का मतलब नाराजगी कह सकते हो, क्रोध कह सकते हो। क्या उसको कोर्ट को इस पर नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी एट दिस रिमार्क, इस टिप्पणी पर, और इग्नोर्ड इट, या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए था। ये ought to से जुड़ा हुआ है, ought to have से जुड़ा हुआ है, taken दे रखा है थर्ड फॉर्म और यहाँ पे इग्नोर दे रखा है। और ओट टू मॉरल एडुकेशन बताने वाला मॉडल है, नैतिक शिक्षा बताने के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है वो ओट होता है, ओट टू होता है ना, या फिर इसको इग्नोर कर देना चाहिए था। इट वुड सर्व द कोज ऑफ प्रिजर्विंग द डिग्निटी ऑफ द हायर जुडिशरी इफ ओवर जेलस कमेंट्स मेड बाई एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट वर इग्नोर्ड। इट वुड सर्व द कोज ऑफ प्रिजर्विंग द डिग्निटी, ये कुछ अच्छा होता, ये प्रतिष्ठा को बनाए रखता। डिग्निटी का मतलब प्रतिष्ठा है। ऑफ द हायर जुडिशरी, जो उच्च न्यायपालिका है उसकी डिग्निटी बनी रहती यदि कोई भी टिप्पणी की गई है। ओवर जेलस का मतलब, जेलस का मतलब उमंग या उत्साह होता है, ओवर जेलस अगर तो उन्माद कहलाता है, पागलपन कहलाता है, कि बहुत ज़्यादा आवेग में आकर कोई टिप्पणियां कर दी गई है, किसी एक्टिविस्ट के द्वारा कर दी गई है या पत्रकारों के द्वारा कर दी गई है, तो उसको अगर इग्नोर कर दिया जाता तो शायद कोर्ट की प्रतिष्ठा और बढ़ती। इन 1999 The Supreme Court had brushed aside some adverse remarks by activists by saying the court's shoulders are broad enough to shrug off their comments. 1999 में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रश असाइड का मतलब होता है अनदेखी करना, जो अनइम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनको दूर कर देना, उसको बोलते हैं ब्रश असाइड। तो कोर्ट ने ब्रश असाइड कर दिया था सम एडवर्स रिमार्क्स। एडवर्स रिमार्क का मतलब है जो वही डिसेंटिंग व्यूज, एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, तो विपरीत जो टिप्पणियां की गई थी एक्टिविस्ट के द्वारा उसको ब्रश असाइड कर दिया था। क्या कहते हुए किया था कि द कोर्ट्स शोल्डर्स आर ब्रॉड एनफ, कि कोर्ट के कंधे ब्रॉड एनफ है। देखिए एनफ के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, इसीलिए एनफ एडजेक्टिव के बाद में आया है। अगर नाउन होता है तो एनफ के बाद में नाउन आता है, अगर एडजेक्टिव होता है तो एनफ से पहले आता है। कि कोर्ट के शोल्डर जो है ब्रॉड एनफ है टू श्रग ऑफ देयर कमेंट। श्रग ऑफ का मतलब है इग्नोर कर देना, ट्रीट समथिंग एज इफ इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू सीरियस कंसिडरेशन। तो किसी भी चीज़ को इग्नोर कर देना, ये कत बताना कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, उसके लिए श्रग ऑफ का यूज़ करते हैं। श्रग ऑफ का मतलब है हटा देना, इग्नोर कर देना। कि कोर्ट के जो कंधे हैं, कोर्ट का शोल्डर्स हैं, या कोर्ट जो है वो इतना मतलब ब्रॉड मेंटालिटी का है कि वो उनके कमेंट्स को श्रग ऑफ कह कर सकता है। ये 1999 में हुआ था, इस बार क्यों नहीं हुआ। हाउएवर इन द केस ऑफ पैट्रिशिया मुखिम द एडिटर ऑफ शिलोंग टाइम्स द कोर्ट हैज़ मेड स्वीपिंग रिमार्क्स। फिर भी इस केस में जो ये मुखिम जो कि एडिटर है शिलोंग टाइम्स के, उसके केस में ऐसा हुआ है कोर्ट ने स्वीपिंग रिमार्क्स किए हैं। स्वीपिंग रिमार्क्स का मतलब है जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। स्वीपिंग का मतलब है बहुत बड़े तबके को प्रभावित करने वाला, है ना, कंप्लीट सेंस में कह सकते हो। तो ये स्वीपिंग रिमार्क्स टिप्पणियां की है दैट द न्यूज़पेपर हैड ऑलवेज अटैक्ड इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, की इस न्यूज़पेपर ने हमेशा ही निजी लोगों पर अटैक किया है, और कहें मतलब इंडिविजुअल्स पर अटैक किया है, इंस्टीट्यूशंस पर अटैक किया है। हैड पब्लिश्ड प्रोपेगेंडा कॉलिंग फॉर बंस, और इन्होंने कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा जो हैं वो भी मतलब पब्लिश किए हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब प्रचार प्रसार होता है, कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना होता है, बंद का मतलब वही बंद जो आप समझ रहे हैं, आए दिन बंद होता है भारत में, हड़ताल स्ट्राइक्स होती हैं। एंड वॉज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट जजेज, और हमेशा ही ये काम जो कर रहा था वो जजेज के खिलाफ काम कर रहा था, एंड जुडिशियल सिस्टम, और जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ ये न्यूज़पेपर काम कर रहा था, ये कोर्ट ने कहा। द डिफेंस आर्ग्यूड द कोर्ट शुड फ्रेम स्पेसिफिक चार्जेस बिफोर कन्विक्टिंग देम फॉर कंटेम्प्ट। तो डिफेंस ने जो कि अब जो अब वकील था या वकील पक्ष था किसका, उन एडिटर का, तो
उस डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि कोर्ट को स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम करने चाहिए, कुछ विशेष आरोप लगाने चाहिए किसी को दोष लगाने से पहले। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषारोपण करना। कन्विक्ट का ऑपोजिट अगर यूज करना होता है तो एक्विट यूज करते हैं, acquit। तो बिफोर कन्विक्टिंग देम फॉर कंटेम्प्ट, तो उसको ये कहना कि भी घृणा की भावना से आपने ऐसा काम किया है, कंटेम्प्ट की भावना के ऐसा काम किया है, इसको दोष लगाने से पहले कुछ स्पेशल चार्जेस फ्रेम करने चाहिए। हाउएवर द मैटर वॉज ट्राइड समरीली, फिर भी ये जो मैटर है वो ट्राइड समरीली, मतलब इसको ट्राई किया गया है, समरीली मतलब सारगर्भित रूप से। वाइल इट इज़ ओपन टू कोर्ट, अब ये कोर्ट के लिए बिल्कुल खुला है, टू ट्राई अ केस ऑफ कंटेम्प्ट इन अ समरी मैनर, की एक समरी तरीके से समराइज करके कंटेम्प्ट का केस बनाया जाए। द यूज ऑफ पर्सनलाइज्ड व्यूज ऑफ द पब्लिकेशंस पास्ट रिकॉर्ड टू हैंड डाउन द वर्डिक्ट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द यूज ऑफ पर्सनलाइज्ड व्यूज, जो एक पर्सनलाइज्ड व्यू का कहें कि पर्सनलाइज्ड व्यू का मतलब अपने तरीके से कोई व्यूज ऑफ द पब्लिकेशंस पास्ट रिकॉर्ड, पब्लिकेशन के पिछले रिकॉर्ड को लेकर जो पर्सनलाइज्ड व्यू का प्रयोग है। टू हैंड डाउन द वर्डिक्ट, हैंड डाउन का मतलब वितरित करना, देना होता है, वैसे निचली जनरेशन को देना होता है हैंड डाउन। टू हैंड डाउन द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय, निर्णय देना जो है। पुट्स अ क्वेश्चन मार्क, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, एक संदेह की बात यहाँ पे उठती है ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है कोर्ट्स में, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वाइल देयर मे बी अ नीड टू कर्ब टेंजेंशियस क्रिटिसिज्म, जहाँ ये जरूरी है, ये आवश्यकता है, टू कर्ब, कर्ब का मतलब किसी बुरी चीज़ पर रोक लगाना होता है, टेंडेंशियस का मतलब कि आपकी टेंडेंसी ही ऐसी, प्रवृत्ति ही ऐसी, किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखेंगे ऐसी अगर प्रवृत्ति है तो इस पर रोक लगाना जरूरी है। टेंडेंशियस क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशियरी है, अगर आप न्यायपालिका की आलोचना का टेंडेंसी रखते हैं तो इस पर जोर रोक लगाने की जरूरत है। एंड सेल्फ सर्विंग कमेंट्स ऑन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन मेनस्ट्रीम एंड सोशल मीडिया, और जो सेल्फ सर्विंग मतलब खुद का जो हित होता हो वो कमेंट्स अगर आप करते हैं ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स पर, जो भी चल रही कार्य प्रणाली है उस पर, इन मेनस्ट्रीम मतलब मुख्य धारा में आकर सोशल मीडिया पर, फिर भी देर इज़ अ कंपेलिंग केस टू यूज़ द कंटेम्प्ट लॉ स्पेयरिंगली एंड अवॉइड द इम्प्रेशन दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड टू स्टिफल फ्री स्पीच और डिसेंट। फिर भी देर इज़ अ कंपेलिंग केस, ये जो है ये एक ऐसा केस बन गया है, कंपेलिंग है मतलब बाध्यकारी है, बाधा डालने वाला है, टू यूज़ द कंटेम्प्ट लॉ, कि कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल किया जाए स्पेयरिंगली, स्पेयरिंग का मतलब बचा कुचा कर, कभी जरूरत पड़े तभी यूज़ किया जाए, एंड अवॉइड द इम्प्रेशन, और उस इम्प्रेशन से बचा जाए दैट इट इज़ बीइंग यूज्ड टू स्टिफल फ्री स्पीच और डिसेंट, जिसमें ये कहा गया है एक इम्प्रेशन बना है, एक ऐसी बात सामने आई है, ऐसा लगने लग गया है कि जैसे कि कोर्ट ने कंटेम्प्ट लॉ का इस्तेमाल करके स्टिफल किया है, भावनाओं को दबाया है, जो मुक्त भाषण देने की, स्वतंत्र भाषण देने की स्वतंत्रता भारत में है, और डिसेंट असहमति जताने की आज़ादी जो है उसको स्टिफल करने का प्रयास किया है। लीनियंस नॉट एंगर ought to be the primary response of detached judiciary. अब देखिए, क्रोध की बजाय lenience, उदारता, लचीलापन, ये होना चाहिए था primary response, प्राथमिक प्रत्युत्तर किसका, detached judiciary का। judiciary का न्यायपालिका होता है, detached का मतलब अलग हो रखी हो, जैसे कि अलग थलग कहें, तो इस detached judiciary का, attached का उल्टा होता है, attached का opposite होता है detached, तो इस detached judiciary का क्या होना चाहिए था प्राइमरी रेस्पॉन्स, लीनियंस होना चाहिए था, उदारता, या फिर कहें कि आपको थोड़ा लचीलापन बरतना चाहिए था एंगर की बजाय। इन्होंने तो गुस्से में आकर घृणा के भाव से एक केस ठोक दिया और दो मतलब जुर्माने लगा दिया, दो दो लाख रुपए का प्रत्येक पर। दूसरा एडिटोरियल हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक आप जितने ही बच्चे देखते हैं, अगर सभी लाइक करेंगे तो संभवतया हमारा चैनल भी ग्रो करेगा और उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए जो बच्चे वास्तव में, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग में हमेशा कहता हूं कि बहुत हेल्पफुल रहेगी, इंग्लिश में आपका इम्प्रूवमेंट होगा अच्छे लेवल पर। इन स्लो मोड, दूसरा एडिटोरियल है इन स्लो मोड, मतलब धीमी गति से स्लो मोड में। मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन डेटा मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स रूम फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट। मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, इन्फ्लेशन डेटा का मतलब है महंगाई के जो आंकड़े हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन डेटा है। गिव मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स, वो
उसने प्रदान किया है। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर मतलब मौद्रिक नीति जो बनाने वाले लोग हैं उनको एक स्थान दिया है, रूम दिया है फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट, कि वो ब्याज दरों में कटौती करें। मैन्युफैक्चरिंग और इन्फ्लेशन डेटा इन दोनों ने गिव प्रेजेंट है, क्योंकि दो चीज़ें हैं और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को इसने दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हेडलाइन है, अभी पास्ट में पढ़ना पड़ेगा कि दिया, पास्ट में दिया। पॉलिसी मेकर्स को रूम दिया, रूम का मतलब देखिए जैसे कभी क्रिकेट में सुनते हैं कि रूम दिया, तो एडजस्ट होने के लिए स्थान देने को बोलते हैं रूम देना। फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट, की ब्याज दरों में कटौती हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द कंट्री कंटिन्यूज टू रिमेन बी कम्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है देश में, निर्माण का जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन हाउस कह सकते हो, वो अभी भी बी कम्ड मतलब शांत पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। द लेटेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा शो दैट आउटपुट अक्रॉस द ब्रॉड सेक्टर एक्सपेंडेड 1.3% इन जनवरी, अ क्लियर लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द 3% पेस इन डिसम्बर एंड अ ड्रेस्टिक स्लो डाउन फ्रॉम द 8.7% ग्रोथ सीन इन जनवरी 2018। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द कंट्री, भारत देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो तो कंटिन्यू टू रिमेन बी कम्ड, अभी भी बी कम्ड है, मतलब शांत पड़ी हुई है। द लेटेस्ट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, जो नवीनतम सूची है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा की, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है, शो वो दिखाता है द आउटपुट अक्रॉस द ब्रॉड सेक्टर, जो आउटपुट है अक्रॉस द ब्रॉड सेक्टर, बहुत बड़े सेक्टर के पार एक्सपेंडेड 1.3% इन जनवरी, वो एक्सपेंड हुआ, बढ़ा 1.3% जनवरी में। तो जो सीधा सीधा लॉस है ऑफ मोमेंटम, उस गति का लॉस है, मोमेंटम का मतलब गति होता है, फ्रॉम द 3% पेस इन दिसंबर, जो एक्सपेंड हुआ था 3% दिसंबर में, अब देखिए 1.3% ही हुआ है, इसका मतलब कमी आई है, लॉस हुआ है। एंड ड्रेस्टिक स्लो डाउन फ्रॉम द 8.7% ग्रोथ, और जनवरी 2018 में अगर देखें तो 8.7% था, इसका मतलब ड्रेस्टिक स्लो डाउन है, बहुत तेज ये मंदी का दौर आया है। ड्रेस्टिक का मतलब बहुत ही तीव्र, तो बहुत तीव्र ये स्लो डाउन कहा जाएगा, क्योंकि 8.7% से इस साल 2019 जनवरी 2019 में 1.3% ही रह गया है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लम टू 1.7%, स्लम का मतलब धीमा पड़ जाना है, स्लम का मतलब घाटा लगना होता है। कुल मिलाकर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो 1.7% रही, फ्रॉम 2.6% इन दिसंबर, 2.6% थी दिसंबर में, एंड 7.5% है ईयर अर्लियर, और एक साल पहले 7.5%। एज प्रोडक्शन इन 12 ऑफ द 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स, क्योंकि जो प्रोडक्शन है 23 इंडस्ट्री ग्रुप्स में से 12 में, दैट कंप्राइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि शामिल करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, श्रैंक, श्रैंक का मतलब सिकुड़ना है, सेकेंड फॉर्म है श्रिंक की, श्रिंक, श्रैंक और श्रंग, इसकी थर्ड फॉर्म जो करोगे वो SHRUNK होगा और फर्स्ट फॉर्म SHRINK होता है। कॉम्प्राइज का प्रयोग किया गया है, कॉम्प्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना, और ये जब एक्टिव वॉइस में होता है तो इसमें किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर ये पैसिव वॉइस में होता है तो ऑफ लगाते हैं इसमें, तो ये ग्रामर की बात आप याद रखिएगा। तो 23 इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से 12 में, दैट कंप्राइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल है, श्रैंक फ्रॉम ए ईयर अर्लियर, वो एक साल पहले के अगर आंकड़े देखें तो उससे इसमें श्रिंकिंग हुई है, थोड़ा सा कम हुआ है ये। देयर दीज आर क्विक एस्टिमेट्स दैट आर लाइकली टू बी रिवाइज्ड, ये क्विक एस्टिमेट्स हैं, ये पूर्व निर्धारण किया गया है, दैट आर लाइकली टू बी रिवाइज, जिसकी संभावना है कि रिवाइज होंगे, ठीक है ना, ये आंकड़े फिर से सामने आएंगे। बट द फैक्ट दैट दैट की जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं, फैक्ट ये है कि जो मुख्य जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज है, जो रोजगार सृजन करने वाले उद्योग हैं, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, लेदर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि टेक्सटाइल है, लेदर है, टेक्सटाइल मतलब वस्त्र उद्योग मान लीजिए, लेदर है, चमड़ा, रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उस जैसे उसके संबंधित सामान जो बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स है मतलब मेडिकल लाइन, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है, एंड मोटर व्हीकल्स, रिपोर्टेड कॉन्ट्रैक्शंस हार्डली बोर्ड्स वेल, बोर्ड वेल का मतलब है अच्छी सूचना देना, बोर्ड का मतलब है पूर्व सूचना मिलना, भविष्य में होने वाली घटनाओं की पहले से संकेत मिलना,
हार्डली लगाया है इसका मतलब नहीं देती है सूचना का अच्छा। तो रिपोर्टेड कॉन्ट्रैक्शंस, तो इन सब चीज़ों में जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना होता है, इनमें भी जो गिरावट आई है, इन सब जितने बात हमने की है इन इंडस्ट्रीज में, हार्डली बोड्स वेल फॉर द रियल इकोनॉमी। तो ये वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं मिलने वाले हैं। हार्डली का मतलब ना के बराबर होता है, तो यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं मिलने वाले हैं। लुक एट द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो गिव्स लिटिल कॉज फॉर चीयर। ए लुक एट द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, तो एक अगर नजर डाली जाए यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया जाए यूज के आधार पर, कितना वो यूज करती है इंडस्ट्री कोई भी चीज को उसके आधार पर, ऑल्सो गिव लिटिल कॉज फॉर चीयर, वो भी आपको बिल्कुल भी खुशी के पल नहीं देने वाली। चीयर का मतलब प्रसन्नता होती है, लिटिल लिखा है इसका मतलब ना के बराबर है, तो यहाँ कोई कारण आपको मिलेगा नहीं खुश होने का इसको देखेंगे तो भी। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है गुड्स दैट आर यूज इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, वो सामान जो दूसरे सामान के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स एक क्लोजली वॉच्ड प्रॉक्सी फॉर बिजनेस स्पेंडिंग प्लान्स। क्लोजली वॉच्ड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, और मैंने कल भी बताया था कि एडवर्ब है तो एडवर्ब से पहले आर्टिकल लगेगा सामान्यतया, अपवाद हर जगह होते हैं इसका भी होगा। तो कैपिटल गुड्स जो है अ क्लोजली वॉच्ड प्रॉक्सी, जिसको बहुत नज़दीकी से एक प्रॉक्सी माना जाता है बिजनेस से, बिजनेस के लिए प्रॉक्सी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए, प्रतिनिधि मान लीजिए, फॉर बिजनेस स्पेंडिंग प्लान, जो बिजनेस स्पेंडिंग प्लान्स हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्टेड 3.2%, वो 3.2% तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सिकुड़ा है मतलब कम हुआ है। अ टेलिंग कॉन्ट्रास्ट विद द 12.4% एक्सपेंशन पोस्टेड 12 मंथ्स अर्लियर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल विपरीत है, तो ये बिल्कुल विपरीत असर है कि 12 महीने पहले अगर देखें तो उसमें 12.4% एक्सपेंशन हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी, विस्तार हुआ था, उसको देखा जाए तो ये 3.2% तक रह गया है। असस्टेन रिवाइवल, सस्टेन का मतलब बनाए रखना होता है, तो सस्टेन रिवाइवल ऑफ दिस वाइटल फ्रंट, वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो फ्रंट है इस भाग में, इस क्षेत्र में जो सस्टेन रिवाइवल है, सस्टेन रिवाइवल का मतलब कहते हैं कि जो लगातार बने रहे, रिवाइवल होता रहे, सक्रियता का दौर चलता रहे, में स्टिल बी सम टाइम अवे, अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ समय इसका दूर रह गया है, अभी भी सस्टेन रिवाइवल हुआ नहीं है। अ रिसेंट सर्वे बाई IHS मार्केट ऑफ बिजनेस, एक हाल ही में जो सर्वे किया गया IHS मार्केट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक्सपेक्टेशंस कंडक्टेड ओवर 2 weeks इन द लेटर हाफ ऑफ फेब्रवरी, तो इसके द्वारा जो सर्वे किया गया जो कि कंडक्ट हुआ था 2 सप्ताह से अधिक समय में, इन द लेटर हाफ ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी के बाद वाले पार्ट में, लेटर का मतलब क्रमबद्ध होता है, क्रम के में बाद जो होता है उसको LTER कहते हैं, LATER है ये समय में बाद के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो लेटर हाफ जो फरवरी में ये सर्वे हुआ था शोज, वो दिखाता है कि दैट इंडियन बिजनेसेस प्लान टू कर्ब आउटलेज ऑन हायरिंग एंड कैपिटल स्पेंडिंग, कि भारतीय जो बिजनेसेस हैं, भारतीय जो घर उद्योग हैं, प्लान टू कर्ब आउटलेज, उनकी योजना ये है कि वो कर्ब करना चाहते हैं, कर्ब का मतलब नियंत्रित करना, रोकना, आउटलेज, आउटलेज का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन समथिंग, कि जो धनराशि किसी चीज़ पर स्पेंड होती है उसको, तो ये आउटलेज को कर्व करना चाहते हैं, अधिक पैसा खर्च करने से बचना चाहते हैं। ऑन हायरिंग, कि अधिक हायर किया जाए, है ना, हायर करना पड़ता है, मैनफोर्स हायर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आदमी इनको चाहिए होते हैं, उसको हायर करने बचना चाहते हैं। एंड कैपिटल स्पेंडिंग, और पूंजी को निवेश करने में रोकना चाहते हैं उस निवेश को भी, विद सेंटीमेंट टू कैपेक्स एट ए 1 year लो। सेंटीमेंट का मतलब भावना है, क्योंकि इनका जो अभी जो फीलिंग इनकी है वो कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख लीजिएगा, कैपेक्स बना है कैपिटल प्लस एक्सपेंडिचर से, इन दोनों को मिलाकर कैपेक्स कहलाता है, कैपिटल प्लस एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपेक्स एट व्हाट, ऑन कैपेक्स एट ए 1 year लो, तो जो एक साल का अगर देखें तो एक साल का सबसे कम जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात अगर करें, तो उस फीलिंग के साथ में ये ऐसा करना चाहते हैं। एंड ग्रोथ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट, एंड ग्रोथ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट वाज एन एनेमिक 1.8%। एनेमिक जो होता है ना, वो लैकिंग वाइटलिटी,
लिस्टलेस एंड वीक कह सकते हो कमजोर को, निस्तेज को, क्योंकि एनीमिया संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या निकालेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर इसका अर्थ वो देखिए। एंड ग्रोथ इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आउटपुट है उसमें जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वॉज एन एनेमिक 1.8%, वो बहुत ही कमजोर रही, 1.8% ही रही, जो 2018 जनवरी में 7.6% तक थी। अनदर क्लियर साइन, एक और स्पष्ट संकेत है, स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन ऑफ नॉन एसेंशियल्स, की जो स्पेंडिंग है, पैसा जो लग रहा है, निवेश हो रहा है, खर्च हो रहा है, ऑन कंजम्पशन ऑफ नॉन एसेंशियल्स, किस पर, जो आवश्यक नहीं है सामान, उसके कंजम्पशन पर, उसके उपभोग पर, रिमेन्स इन सर्च फॉर ऑफ फेवरेबल विंड्स, वो अभी भी तलाश में है, फेवरेबल विंड्स की तलाश में है, मतलब पॉजिटिव परिणाम की तलाश में है। फेवरेबल विंड्स मतलब हवाएं आपकी तरह से बहना शुरू कर दे, आपके फेवर में चलना शुरू कर दे, समय उसकी तलाश में है। दूसरा देखिए इसका पैराग्राफ, इफ द IIP poses cause for concern, यदि IIP जो है, पोज का मतलब होता है दर्शाना, यदि वो चिंता का कारण दर्शाता है, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा हार्डली प्रोवाइड मच रीअश्योरेंस, तो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है जो खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं, हार्डली प्रोवाइड मच रीअश्योरेंस, ये भी कोई मतलब आपको आश्वासन यहाँ पे दिखता नजर नहीं आ रहा है कि फिर से कोई आश्वासन मिल रहा हो। वाइल प्राइस गेन्स मेजर्ड बाई द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सलरेटेड टू ए 4-month हाई ऑफ 2.57% फेब्रवरी, जहाँ जो कीमतें हैं, प्राइस गेन्स मतलब महंगाई हो जाना मान लीजिए, या कीमतों बढ़ोतरी मान लीजिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किए गए थे, वो प्राइस गेन्स एक्सलरेटेड टू ए 4-month हाई, वो 4 महीनों का सर्वोच्च ऊंचाई पर है, 2.57% देखने को मिला फेब्रवरी में। फिर भी इट इज परसिस्टेंट डिफ्लेशनरी ट्रेंड, डिफ्लेशनरी इन्फ्लेशन का उल्टा है, इन्फ्लेशन में बढ़ता है पैसा, डिफ्लेशन में घटता है पैसा, फिर भी परसिस्टेंट का मतलब सतत रूप से, ये डिफ्लेशनरी ट्रेंड है, प्राइसेज ऑफ सम फार्म आइटम्स, कुछ जो फार्म आइटम्स हैं उसके डिफ्लेशन का ये ट्रेंड चल रहा है कीमतों का, दैट इज डीपली डिसक्वाइटेनिंग, मतलब अभी आपने देखा, जैसे प्याज की कीमतें आप देखिए कितना कम हो चुकी हैं, तो ये डिफ्लेशन का ट्रेंड जो चल रहा है 4 month जो भी परसिस्टेंट है, इन द प्राइसेज ऑफ सम फार्म आइटम्स, कुछ फार्म आइटम्स में, दैट इज डीपली डिस्क्वाइटिंग, डिस्क्वाइटिंग का मतलब बेचैन कर देने वाला, जो निश्चित रूप से बेचैन कर देने वाला है, रिफ्लेक्टिंग एज इट डज ए कॉलेप्स इन प्राइसिंग लोअर इन द एग्रेरियन हार्टलैंड, हार्टलैंड का मतलब जो मुख्य भाग कह सकते हो आप, तो रिफ्लेक्टिंग का मतलब दर्शाना होता है, ये दर्शाते हुए कि एज इट डज ए कॉलेप्स इन प्राइसिंग पावर, कि जो प्राइसिंग पावर है अग्रेरियन हार्टलैंड में, कृषि से संबंधित उत्पाद या किसानों के लिए, ये जो है एक कॉलेप्स होने वाला है, कहें कि एक धराशायी होने वाली है, कीमतें उनकी जो शक्ति है, प्राइसिंग पावर है, वो ख़त्म होने वाला है। वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स आर पोस्टेड नेगेटिव रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम ए ईयर अर्लियर, सब्जियाँ, फल, दालें और कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी में नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखने को मिला, मतलब कीमतें बढ़ी नहीं है, घटी हैं, ऑफ -7.69, 4.62% एंड 3.82% रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है कि 7.69% वेजिटेबल के लिए है, 4.62% ऑफ फ्रूट्स के लिए है, और 3.82% ऑफ दालों के लिए है, ये सब देखने को मिला है क्रमशः, इनमें ये ट्रेंड है गिरावट का जो चल रहा है। वाइल अर्बन कंज्यूमर्स में चीयर, जहाँ जो शहरी उपभोक्ता है वो हो सकता है कि वो खुशी मनाए, चीयर करे, द इंक्रीज्ड अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, की अब चूंकि महंगाई कम हुई है तो अधिक मात्रा में अफोर्ड कर सकता है सही तरीके से, फल और सब्जियाँ वो खरीद सकता है। फिर भी देखिए रूरल डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, लेकिन जो ग्रामीण डिमांड रहती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब जो निर्मित सामान है, विल रिमेन डिप्रेस्ड, वो अभी भी डिप्रेस रहेगी, मतलब कहें कि वो अभी भी तनाव में रहेगी, मतलब सही रूप में सही लेवल पे नहीं आ पाएगी, अनलेस देयर इज़ अ मीनिंगफुल टर्न अराउंड, जब तक कि कोई अर्थपूर्ण बदलाव नहीं होता है इन द फार्म सेक्टर्स इकोनॉमिक फॉर्च्यून, जो खेती के संदर्भ में भारत का जो एक भविष्य है वो सही स्थिरता नहीं पकड़ता है तब तक। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, विद सऊदी अरेबिया कमिटेड टू डीपेनिंग इट्स प्रोडक्शन कट्स,
सऊदी अरेबिया कमिटेड टू, टू के साथ ing इसीलिए है कि कमिटेड दे रखा है, कमिटेड टू होता है तो ing का प्रयोग हम करते हैं टू के साथ, और जनरली टू के साथ v0 का प्रयोग, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हुए जहां सऊदी अरेबिया जो है कमिटेड है डिपेंडिंग इट्स प्रोडक्शन कट्स, कि अपना जो प्रोडक्शन कट्स है उसको डिपेंड करना चाहता है, कमिटेड है कि वो प्रोडक्शन को कम करना चाहता है इन ऑर्डर टू कीप क्रूड ऑयल प्राइसेस वेल सपोर्टेड, ताकि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसको सपोर्ट मिल सके। इट अपीयर्स अनलाइकली दैट इंडियाज फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट विल स्टे सॉफ्ट फॉर मच लॉन्गर, तो इसका मतलब ये है कि इसकी संभावना नज़र नहीं आती कि भारत की जो फ्यूल और एनर्जी कॉस्ट है, जो ईंधन और ऊर्जा के लिए भारत, जैसे हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बिजनेस स्टैंडर्ड में, शायद मैंने पढ़ाया था आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, एक और एडिटोरियल सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, दो दिन से मैं सेशन वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो देखिएगा वो सेशन भी, उससे पता लगता है इन चीज़ों के बारे में। तो फ्यूल और एनर्जी जो कॉस्ट हैं विल स्टे सॉफ्ट फॉर मच लॉन्गर, अब इतने समय के लिए यूँ नहीं हो सकता है कि तेल की कीमतें जितनी अभी हैं उतनी ही रह जाएंगी, थोड़ी गिरावट आएगी, ऐसा होने की संभावना नज़र नहीं आती, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने क्या कर दिया है, प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दिया है अपना, तो इसलिए बढ़ने की संभावना यहाँ पे है। एंड विद पॉलिटिकल पार्टीज श्योर टू ओपन द स्पेंडिंग स्पीगॉट इन अ बिड टू वू वाटर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्ड यहाँ पे है स्पीगॉट, नोट कर लीजिए स्पीगॉट का मतलब, तो स्पीगॉट का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, आप कह सकते हैं रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मनी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बिड मतलब इन अ बिड, बिड का मतलब यहाँ पे प्रयास है, वो का मतलब अट्रैक्ट करना है। अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली हैं, फ्लॉप मनी की बात हमने की ना स्पीगट में, तो ये पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, एक प्रयास उनका होगा वोटर्स को लुभाने का। इन्फ्लेशनरी इम्पल्सेज विल क्विकन, तो जो इन्फ्लेशनरी इम्पल्सेज हैं, जो एक कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी इम्पल्सेज, इम्पल्सेज का मतलब आवेग होता है, मतलब एक ग्राफ जो है वो डेफिनेटली बढ़ने की संभावना है। फॉर नाउ दो विद ग्रोथ स्लोइंग एंड इन्फ्लेशन स्टिल कम्फर्टेबली विद इन द रिजर्व बैंक 2-6% टारगेट रेंज, जहाँ ग्रोथ अब कम रही है, ग्रोथ की कमी आ रही है, स्लो हो रही है, और इन्फ्लेशन जो है वो भी कम्फर्टेबली रिजर्व बैंक का टारगेट जो था, टारगेट रेंज थी 2-6% रहनी चाहिए, उसी के अंदर है। मॉनिटरी पॉलिसी मेकर्स, जो मौद्रिक नीति निर्माता हैं, वुड फील जस्टिफाइड इन प्रेसिंग अहेड विद वन मोर इंटरेस्ट रेट कट, तो वो चाहेंगे कि एक और इंटरेस्ट रेट कट कर दिया जाए एट देयर मीटिंग नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने मीटिंग करेंगे उसमें एक और ब्याज दर में कटौती कर दी जाए ताकि इस व्यवस्था को संभाला जा सके। तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कल के सेशन में मुलाकात करेंगे, और बिजनेस स्टैंडर्ड का जो एडिटोरियल सेशन है वो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो बैंक और UPSC के स्टूडेंट्स का डिमांड या एक्सपेक्ट वो करते हैं। So thanks a lot for watching this one. See you tomorrow with a new editorial session. Till then, goodbye.